दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे और ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर आप किसी भी चरित्रहीन स्त्री की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 अंगुलियों से ज्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता ये है कि उनका स्वभाव अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर होता है। ऐसी महिला जिसके गालों पर हंसते समय डिंपल पड़ते हैं उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी दरिद्री हो तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी गई हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हो तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौए, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं उनका आकार असमान होता है तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूरों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठाव लिए होता है उस भाग की नसें उभरी होती हैं ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुली या उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षिणी कहा जाता है। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच ना आने दे।